हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इससे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स का एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना और एक मैट्रिक्स का किसी स्केल से मल्टीप्लिकेशन करना हमने सीख लिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो पहले आप उनको देख लें ताकि आपको और अच्छे से ये डिटेल में समझ में आए। आज का लेक्चर बहुत ही खास है क्योंकि अव्ययों का गुणा अपने आप में ही खास है। इसको करने के लिए आपको नियम से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पर लोग अक्सर भूल जाते हैं स्टेप अपना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अव्ययों का गुणनफल। अव्ययों का गुणा करने के लिए मान लीजिए एक अव्यय आपके पास ये रहा, दूसरा अव्यय इस तरह से मैंने लिख लिया, इसके अंदर जो भी एंट्रीज हो। तो अव्ययों का गुणा करने के लिए आपको करना क्या है, पहले अव्यय का आप ऑर्डर मान लीजिए एम क्रॉस पी है और दूसरे अव्यय का ऑर्डर है पी क्रॉस एन। याद रखिए नेसेसरी कंडीशन है कि जब भी दो अव्ययों का गुणा करना होगा तो पहले अव्यय में कितने कॉलम हैं और दूसरे अव्यय में कितने रो हैं, ये जरूर चेक करना। जितना इसमें कॉलम होगा उतना इसमें रो होना चाहिए, नहीं तो इसका गुणा संभव नहीं है, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिया कि यहाँ पर इसका पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर है। अगर ऐसा हो गया तो गुणनफल संभव होगा और इसका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा m क्रॉस n ऑर्डर का। ठीक है, गुणा करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो और गुणा करते समय रो से स्टार्ट करना, पहले का रो और दूसरे के कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि मैंने कहा एक अव्यय ले लिया ए और ये है अपने पास 2, 3, -1, 0, 1, 2। दूसरा अव्यय ले लिया बी 2, -6 एंड -4, 0। इन अव्ययों का पहले ऑर्डर चेक कर लिया जाए। इसका ऑर्डर देखा जाए 1, 2, यानी दो रो हैं इसमें, 1, 2, 3, 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। यहाँ देखा जाए बी का तो इसमें दो रो और दो कॉलम यानी 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर हो गया। अब देखा जाए क्या ए भी संभव है। ए भी संभव होने के लिए ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए। ए में कितने कॉलम है 3, बी में कितने रो है 2, तो ये दोनों बराबर नहीं, इसलिए ए भी जो है ये नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इसमें क्या बी ए संभव है, बी ए चेक किया जाए। देखो बी ए तो बी का, अब आपको बी का कॉलम देखना पड़ेगा, बी में कितने कॉलम है 2 और ए में कितने रो हैं 2, तो यानी बी ए संभव है। तो पहले आप बी को लिख लेंगे 2, -6, -4, 0। इसके बाद ए को लिख लेंगे 2, 3, -1, 0, 1, 2। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका जो ऑर्डर है वो है 2 रो और 3 कॉलम 2 क्रॉस 3। देख सकते हो पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, यानी अब इसका हम रिजल्ट निकाल सकते हैं और इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, इस ऑर्डर का आने वाला है, यानी 2 रो और 3 कॉलम आने वाले हैं। गुणा कैसे करना है ध्यान से देखिए, पहले रो को पकड़िए और दूसरे कॉलम को और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना, यानी इस 2 का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस का निशान लगाइए और दूसरा जो -6 है इसका मल्टीप्लाई 0 से, -6 × 0। ठीक, इसके बाद इसी को पहले ही रो को इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। तो जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बनेगा, देखो 2 और 3 का मल्टीप्लाई, प्लस लगाएंगे -6 और 1 का मल्टीप्लाई, फिर इसी रो का तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -1 का मल्टीप्लाई, प्लस लगाएंगे -6 और 2 का मल्टीप्लाई। समझ गए होंगे, पहले का रो पकड़ना, दूसरे के कॉलम से स्टेप बाय स्टेप यानी बार बार आपको मल्टीप्लाई करना, लिखते समय रिजल्ट को भी रो में लिखना। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता है, यानी पहले का इस पहले से, फिर दूसरे का दूसरे से नीचे जाएगा, फिर अगले बार 2 का 3 से, फिर प्लस लगाएंगे -6 का इस 1 से, इसी तरह से तीसरी बार 2 और -1 का मल्टीप्लाई,
फिर माइनस सिक्स और टू का मल्टीप्लाई, ये हो गया। यानी पहले रो का मल्टीप्लिकेशन हमने सभी कॉलम से कर लिया दूसरे के। अब यहां दूसरा रो स्टार्ट करेंगे, वही प्रोसेस फिर से अपनाएंगे, माइनस फोर और टू का मल्टीप्लाई, माइनस फोर इंटू टू, फिर जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई। इसी तरह से दूसरे में स्टार्ट करेंगे, माइनस फोर और थ्री का मल्टीप्लाई, प्लस जीरो और वन का मल्टीप्लाई, फिर माइनस फोर और माइनस वन का मल्टीप्लाई, प्लस इस जीरो और टू का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अपने पास ये पूरा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ और इसके रिजल्ट को लिख लेते हैं। टू टू जा फोर माइनस सिक्स, ये हो गया फोर माइनस सिक्स, यहाँ पर हो जाएगा सिक्स माइनस सिक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू, और सिक्स टू जा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, यहाँ पर माइनस एट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस ट्वेल्व, और यहाँ हो जाएगा प्लस का फोर। इसे और सिंप्लीफाई कर लो, फोर माइनस सिक्स यानी कि माइनस टू हो गया, ये सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो गया, एंड टू माइनस ट्वेल्व ये माइनस का फोर्टीन हो गया। इस तरह से इसका रिजल्ट निकल कर आया। ठीक है, यानी बी ए संभव था लेकिन ए बी संभव नहीं था। और आगे हम बात करें, हमने कहा यहां ए है वन टू एंड माइनस थ्री, बी दे रखा है जीरो वन माइनस टू और माइनस वन जीरो माइनस वन, ये थर्ड कॉलम है। सेकंड अपने पास दूसरा मैट्रिक्स दे रखा बी, जीरो जीरो टू, टू जीरो जीरो एंड जीरो टू जीरो, ये दे रखा। यहां पर आपको ए बी निकालना है, तो पहले चेक करेंगे इसका ऑर्डर, ये भी थ्री क्रॉस थ्री का है, और ये इसका ऑर्डर भी देखेंगे, ये भी थ्री क्रॉस थ्री का है। तो आप ए बी बी ये दोनों निकाल सकते हो। पहले ए को लिख लीजिए वन टू माइनस थ्री, फिर जीरो वन माइनस टू, माइनस वन जीरो माइनस वन। इसके बाद बी को लिख लीजिए जीरो जीरो टू, टू जीरो जीरो एंड जीरो टू जीरो। गुणा करना स्टार्ट करें, मल्टीप्लाई करना शुरू करें। ध्यान से देखिएगा, पहला रो मैंने उठाया और इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना शुरू किया। वन और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, टू और टू का मल्टीप्लाई फोर, माइनस थ्री और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, यानी कि टू और टू का मल्टीप्लाई केवल फोर आया। समझ में आया, ध्यान से देखिएगा। फिर इसी का दूसरे कॉलम से करेंगे, वन और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, टू और जीरो का मल्टीप्लाई भी जीरो, माइनस थ्री और टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का सिक्स। नाउ फिर वन और टू का मल्टीप्लाई टू, टू और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, माइनस थ्री और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रो उठाएंगे और पहले कॉलम से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, वन और टू का मल्टीप्लाई टू एंड माइनस टू और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, यानी वन और टू का मल्टीप्लाई केवल टू आने वाला है। यहाँ पर इसी रो का दूसरे कॉलम से जीरो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, वन जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, माइनस टू और टू का मल्टीप्लाई माइनस का फोर। फिर इसी रो का तीसरे कॉलम से जीरो और टू का मल्टीप्लाई जीरो, वन और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, और माइनस टू और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, तो ओवरऑल ये क्या बन गया जीरो। नाउ दूसरा रो का काम खत्म हुआ, तीसरे रो को उठाएंगे। देखिए माइनस वन और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, जीरो और टू का मल्टीप्लाई जीरो, माइनस वन और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, ओवरऑल ये क्या बन गया जीरो। फिर माइनस वन और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई भी जीरो, माइनस वन और टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का टू। फिर इसी का तीसरे कॉलम से माइनस वन और टू का मल्टीप्लाई माइनस का टू, जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, माइनस वन और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, तो ये इसका आंसर आ गया ए बी। बी ए भी यहाँ पर पॉसिबल है, अगर आप बी इंटू ए करना चाहते हैं तो वो भी संभव है।
अगर बी ए निकालना चाहें, क्योंकि बी का कॉलम 3 और ए का रो 3, तो ये पॉसिबल है। तो बी को पहले लिखना पड़ेगा 002 200 020। इसके बाद ए को लिखना पड़ेगा 1 2 -3 0 1 -2 एंड -1 0 -1। नाउ अब इसका मल्टीप्लाई करें। देखिए पहला रो उठाएंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0, 2 और 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 2 और -1 का मल्टीप्लाई -2 आएगा केवल, बाकी सब 0 रहेंगे। फिर इसी रो का दूसरे कॉलम से देखो 0 और 2 का मल्टीप्लाई 0, 0 1 का मल्टीप्लाई 0, 2 और 0 का मल्टीप्लाई 0, तो आंसर ये 0 बनेगा ना। फिर इसी रो का तीसरे से देखो 0 और 3 का मल्टीप्लाई -3 का 0, 0 और -2 का मल्टीप्लाई 0, और 2 और -1 का मल्टीप्लाई -2। अब दूसरा उठाइए, दूसरा रो, और फिर पहले कॉलम से शुरू हो जाए, करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट का सेकंड से, और थर्ड एलिमेंट का थर्ड से, इस तरह से मल्टीप्लाई करना, पहले के रो से दूसरे के कॉलम से। देखते हैं 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2, 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0, और 0 और -1 का मल्टीप्लाई 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसी का दूसरे से करें 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0, फिर 0 0 का मल्टीप्लाई 0। फिर इसी का तीसरे से करेंगे 2 और -3 का मल्टीप्लाई -6, 0 और -2 का मल्टीप्लाई 0, 0 और -1 का मल्टीप्लाई 0। अब तीसरे रो की बारी, 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0, 2 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 और -1 का मल्टीप्लाई 0, तो ओवरऑल ये 0। फिर देखो 0 और 2 का मल्टीप्लाई 0, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2, 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0। तीसरे से करेंगे 0 -3 0, 2 और -2 हो जाएगा -4, एंड 0 और -1 का मल्टीप्लाई 0, तो ये इसका आंसर हो गया। और एक बात क्लियर है, ए बी जो है नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ये कामुटेटिव लॉ जिसे क्रम विनिमेय नियम कहते हैं, तो उसका पालन नहीं करता। अब आपके पास मैं कुछ क्वेश्चंस लूँ जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आ चुके हैं। क्वेश्चन कहा है ए इक्वल टू है 0 3 2 1, और आपसे कहा कि ए स्क्वायर निकालो, बताया पूछा इसमें कि बताओ ए स्क्वायर कितना होगा। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, यानी इसी मैट्रिक्स का इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको लिख ले 0 3 2 1, और दूसरा मैट्रिक्स भी 0 3 2 1। क्या बनेगा देखो, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करते समय गलती नहीं होनी चाहिए। पहले का रो पकड़िए, दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करिए करेस्पॉन्डिंग। देखो 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6, प्लस लगा के लिखना। फिर दूसरे कॉलम से करेंगे इसी रो का 0 और 3 का मल्टीप्लाई 0, फिर 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3। अब दूसरा रो उठाएंगे 2 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2, फिर इस 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6 3 2 7। ओके, बहुत सावधानी से करिए और बहुत ही आसान है। अगर आपने इसके 5 क्वेश्चंस लगा लिए अपने मन से, तो कभी भी लाइफ में इसमें कभी मिस्टेक होगा ही नहीं, आप आराम से करोगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन ले लिया ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा, इसके बाद है -sin θ एंड cos θ। ये क्वेश्चन 2011 यानी 2011 का है, आपसे पूछा बताओ ए स्क्वायर कितना होगा। स्क्वायर निकालना यानी इसी मैट्रिक्स का इसी से आपको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 2 बार ऐसे आप लिख लीजिए cos θ sin θ, -sin θ एंड cos θ, इसका इसी से गुणा कर दो,
कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, गुणा करते समय पहले के रो को दूसरे के कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। पहला रो पहला कॉलम हो गया, फिर इसी रो का दूसरे कॉलम से करना कॉस थीटा साइन थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा हो गया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये फिर से हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ अब दूसरे रो की बारी है, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा, सॉरी इसका मैंने किया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, अब फिर कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा का हो जाएगा फिर से माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद इसी रो का दूसरे कॉलम से माइनस साइन थीटा हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा का हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ओके आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता, तो ये बन गया अपने पास कॉस टू थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा दो बार है तो टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा। यहाँ पर भी माइनस का टू साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि माइनस साइन टू थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर से हो जाएगा कॉस टू थीटा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है इसी तरह से आप इसका क्यूब भी निकालिएगा, क्यूब निकालोगे और मज़ेदार रिजल्ट मिलेगा, यहाँ थ्री थ्री होता चला जाएगा। ठीक है एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा क्यूब निकालना। क्यूब निकालने का मतलब क्या होगा, आप ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दो क्यूब बन जाएगा। क्लियर।